कृष्णा गेट थानेसर के अंतर्गत रहने वाली नाबालिग का अपहरण करके दुष्कर्म करने के आरोपी को कुरुक्षेत्र कोर्ट ने सुनाई 7 साल की कारावास व जुर्माने की सजा। कुरुक्षेत्र के अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश पायल बंसल की अदालत ने नाबालिग का अपहरण करके दुष्कर्म करने के दोषी सोनू ऋषिदेव पुत्र बिंदेश्वर ऋषिदेव वासी बिहार पतोरी थाना पंचमधिया जिला सहरसा बिहार को 7 साल की कारावास व 10,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। यह जानकारी जिला उप न्यायवादी भूपेंद्र कुमार ने मीडिया को दी। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि थाना कृष्णागेर थानेसर क्षेत्र की रहने वाली महिला ने थाना कृष्णागेर थानेसर पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया कि दिनांक 30 व 31 अगस्त 2021 की रात को वह अपने पति व 4 बच्चों के साथ घरेलू सामान लेकर अंबाला से वापस डोडा खेड़ी आ रही थी। जब वह गांधीनगर कुरुक्षेत्र के रास्ते बिशनगढ़ मोड़ पर पहुंची तो वह अपने पति बच्चों व सामान के साथ थोड़ी देर के लिए वहां पर रुक गई। एक अनजान लड़का भी उनके पास आकर रुक गया। वह अपने छोटे लड़के की बाजू में चोट लगी होने के कारण अपने साथ दोनों छोटे बच्चों को लेकर अपने पति के साथ दवाई लेने के लिए गांधीनगर आ गई और अपने बड़े लड़के जिसकी उम्र 8 साल है और बड़ी लड़की जिसकी उम्र 9 साल है को सामान के पास वहीं पर छोड़ दिया। वह अनजान लड़का भी वहीं पर उसके बच्चों के पास ही बैठा था। जब वह वापस आई तो उसकी लड़की जिसकी उम्र 9 साल है पुलिया की तरफ से रोती चिल्लाती हुई अर्ध नग्न कपड़ों में उसकी तरफ आती हुई दिखाई दी। वह अनजान लड़का भी उसके पीछे भागता हुआ आ रहा था जो कि उसको देखकर दूर से ही भाग गया। उसकी लड़की ने उसके पास आकर उस अनजान लड़के द्वारा दुष्कर्म करने के बारे में सारी बात बताई जिसकी शिकायत पर थाना कृष्णागेट थानेसर में मामला दर्ज करके जाँच महिला उप निरीक्षक पवनदीप कौर को सौंप दी गयी। पीड़िता के बयान 164 सीआरपीसी अंकित करवाए गए व काउंसलिंग भी करवाई गई। आरोपी को गिरफ्तार करके अदालत के आदेश से जिला कारागार भेज दिया गया। मामले का चलान माननीय अदालत में दिया गया। मामले की नियमित सुनवाई फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट में करते हुए दिनांक 20 नवंबर 2023 को अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश श्रीमती पायल बंसल की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर आरोपी सोनू ऋषिदेव पुत्र बिंदेश्वर ऋषिदेव वासी बिहरा पतोरी थाना पंचमदिया जिला सहरसा बिहार को दोषी करार देते हुए आईपीसी की धारा 365 376 बी के तहत 7 साल की कारावास व 10,000 रुपए जुर्माना और पोक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत 6 साल की कैद व 10,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने की सूरत में 1 वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। थाना कृष्णागेट थानेसर के अंतर्गत रहने वाली नाबालिग का अपहरण करके दुष्कर्म करने के आरोपी को कुरुक्षेत्र कोर्ट ने सुनाई 7 साल की कारावास व जुर्माने की सजा। कुरुक्षेत्र के अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश पायल बंसल की अदालत ने नाबालिग का अपहरण करके दुष्कर्म करने के दोषी सोनू ऋषिदेव पुत्र बिंदेश्वर ऋषिदेव वासी बिहार पतोरी थाना पंचमधिया जिला सहरसा बिहार को 7 साल की कारावास व 10,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। यह जानकारी जिला उप न्यायवादी भूपेंद्र कुमार ने मीडिया को दी। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि थाना कृष्णागेर थानेसर क्षेत्र की रहने वाली महिला ने थाना कृष्णागेर थानेसर पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया कि दिनांक 30 व 31 अगस्त 2021 की रात को वह अपने पति व 4 बच्चों के साथ घरेलू सामान लेकर अंबाला से वापस डोडा खेड़ी आ रही थी। जब वह गांधीनगर कुरुक्षेत्र के रास्ते बिशनगढ़ मोड़ पर पहुंची तो वह अपने पति बच्चों व सामान के साथ थोड़ी देर के लिए वहां पर रुक गई। एक अनजान लड़का भी उनके पास आकर रुक गया।
वह अपने छोटे लड़के की बाजू में चोट लगी होने के कारण अपने साथ दोनों छोटे बच्चों को लेकर अपने पति के साथ दवाई लेने के लिए गांधीनगर आ गई और अपने बड़े लड़के जिसकी उम्र 8 साल है और बड़ी लड़की जिसकी उम्र 9 साल है को सामान के पास वहीं पर छोड़ दिया। वह अनजान लड़का भी वहीं पर उसके बच्चों के पास ही बैठा था। जब वह वापस आई तो उसकी लड़की जिसकी उम्र 9 साल है पुलिया की तरफ से रोती चिल्लाती हुई अर्धनग्न कपड़ों में उसकी तरफ आती हुई दिखाई दी। वह अनजान लड़का भी उसके पीछे भागता हुआ आ रहा था जो कि उसको देखकर दूर से ही भाग गया। उसकी लड़की ने उसके पास आकर उस अनजान लड़के द्वारा दुष्कर्म करने के बारे में सारी बात बताई जिसकी शिकायत पर थाना कृष्णागेट थानेसर में मामला दर्ज करके जांच महिला उप निरीक्षक पवनदीप कौर को सौंप दी गई। पीड़िता के बयान 164 सीआरपीसी अंकित करवाए गए व काउंसलिंग भी करवाई गई। आरोपी को गिरफ्तार करके अदालत के आदेश से जिला कारागार भेज दिया गया। मामले का चलान माननीय अदालत में दिया गया। मामले की नियमित सुनवाई फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट में करते हुए दिनांक 20 नवंबर 2023 को अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश श्रीमती पायल बंसल की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर आरोपी सोनू ऋषिदेव पुत्र बिंदेश्वर ऋषिदेव वासी बिहरा पतोरी थाना पंचमदिया जिला सहरसा बिहार को दोषी करार देते हुए आईपीसी की धारा 365 376 बी के तहत 7 साल की कारावास व 10,000 रुपए जुर्माना और पोक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत 6 साल की कैद व 10,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने की सूरत में 1 वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।